तो गाइस स्वागत है आपका एक आरामदायक वीडियो में। आरामदायक इसलिए ना कि जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ ना, आपने तो थंबनेल में देखा ही होगा, इसी का हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू इंस्टॉलेशन और इस पर चढ़ के इसकी जो वेट की जो कैपेसिटी है वो चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके प्रोज कॉन्स को भी बताएंगे और लास्ट में बता के जाएंगे कि आपको इस चेयर को परचेज करना की चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्या चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ऐसे वीडियोज हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं। तो क्या चलिए फटाक से पहले इस चेयर के अनबॉक्सिंग वाले पार्ट को दिखाते हैं, इसको निकालते हैं डब्बे से बाहर, फिर डिटेल से इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा और आपको थोड़ा आइडिया हो गया क्या कि यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग चेयर का। तो गाइस मैं जब से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ ना, मैंने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लिए हैं जिसमें मेरा मैकबुक है, DSLR है, लेकिन जितना एक्साइटमेंट मुझे इस प्रोडक्ट के लिए है ना, उतना किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं था। चलिए बात करते हैं ना अपना जो ये सेलवेल की तरफ से एक ऑफिस टाइप का चेयर है, ये शार्क टैंक में आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज सीन आउट शार्क टैंक इंडिया। सेलवेल अच्छी ब्रांड है, इसको हमने amazon.in से मंगाया है, तो आप इसको मंगा सकते हैं अगर आपको नीड होगा तो। चलिए हम लोग करते हैं इसकी पहले अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे कितना ये लोड कैपेसिटी इसका, उसकी भी सब टेस्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ये हमारा हथियार और हम इसको करते हैं ओपन। गाइस अगर इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें ना, तो आप चाहे तो खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या 199 पे करके आप इनके जो असिस्टेंट हैं उनको बुला के इंस्टॉल करवा सकते हैं। हमने पेमेंट तो कर दिया है 199, लेकिन हम लोग इंस्टॉल खुद करेंगे, बाद में देखते हैं जरूरत पड़ेगा तो उनको हम लोग बुलाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़नी चाहिए, एज ए इंजीनियर हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये हो चुका अपना कुछ ओपन, मैं धीरे धीरे चीज़ों को निकालूँ। सबसे पहले अपना आ जाता है एक बेस पार्ट, बेस के ऊपर कैप। तो गाइस सारे प्रोडक्ट हमने निकाल दिए जितने भी आए थे, ये अपना बिल है। अगर प्राइस की बात कर ले 5849 है। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वर्थ है कि नहीं, परचेज आपको करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एक मिल जाता है, आई थिंक इसमें मैनुअल होना चाहिए या कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये भी हम लोग खोल के इसको चेकआउट कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे नमस्ते कुछ इनका ग्रीटिंग है और कैसे इंस्टॉल करना है सारी चीज़ों को बताया गया है, कैसे क्या करना है। आप यहाँ से पढ़ के भी इसको कर सकते हैं। 6 मंथ आपको वारंटी एक्सटेंशन मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या करना, फ़ोटो करके पोस्ट करना है और सब शेयर करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है QR कोड है, पहले ये सब नहीं मिलते थे, अब ये मिलने चालू हो गए हैं। इंस्टॉल पहले अपने को कैसे करना है ये सब यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए एज ए इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और एक और चीज़ होनी चाहिए थी एलन की इनको टाइट करने के लिए, अब वो देखते हैं कि की कहाँ गई। तो भाई जी अपना ये जितना है सारे प्रोडक्ट्स जिसके पार्ट से आ चुके हैं, एक एलन की मिसिंग है। मे भी हो सके तो जो असिस्टेंट आएंगे इसके जो इंस्टॉल करने के लिए हमने बुक किया था उनके पास हो, अदरवाइज मे भी हो सकता बैग से गिर गया। यहाँ पे तो मेंशन है कि ये होना चाहिए बट है नहीं, बट कोई नहीं। अगर आपके पास ऐसा, इसको क्या बोलते भाई, अगर आपके पास ऐसा प्लायर्स है घर में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसी से ये सब लूज़ कर दिए, अब मैं आपको इंस्टॉल करके मैं दिखाता हूँ। पहले अपने को ये चार जो है एलन स्क्रूज़ है इनको ओपन करने हैं। ये काफ़ी लाइटली स्क्रू हैं, आप आराम से इसको खोल सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको वीडियोस नहीं बनाने हमारे जैसे, हम तो इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं, तो आप नॉर्मली जो 199 देके इनके जो इंस्टॉल वाले भैया हैं उनको बुला लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। यहाँ से अपने को इंस्टॉल करने में एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो अपने दो एरो दिख रहा है, एक ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग है और एक इसके साथ है, ये दोनों एक साथ लाइन होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक।
तो गाइज पहला जो अपना है स्टेप हो चुका है कंप्लीट, अब है दूसरा स्टेप जो ये अपना मेन पार्ट जो है इसको कसना है यहाँ पे। तो ये अपने जो एलन स्क्रूज हैं इस सबको अपने को खोलना है और फिर वो वाला इंस्टॉल करना है। ये पकड़ो तुम हाथ में चैम, ये मैं पकड़ूँ, हाँ ठीक है। गाइज अब हमने एलन स्क्रूज को निकाल ली है, अब अपने को यही ट्रिकी पार्ट है, इसको आपको किसी को हेल्प लेना है अगर आप अकेले करोगे तो। फिर आपको यहाँ से जो है स्क्रूज अच्छे से लगाने हैं जहाँ जहाँ उसके पॉइंट से। गाइस ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, इस पार्ट को जब अटैच करेंगे ना तो वॉशर अपने को 6 मिलते हैं, उसको नीचे डाल लें, फिर इसको आराम से अच्छे से लगाना है जितने भी एलन स्क्रूज हैं, और साथ ही साथ एलन की हमने एक जुगाड़ कर लिया है, इसको इससे अपने को सारे को टाइट करना है, अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि ये जो है हमारा मेजर पार्ट है, ये अच्छा नहीं होगा तो, क्योंकि हमारा सारा जो वजन है ना इसी पे जाने वाला है। तो आपको जितने भी एलन स्क्रूज हैं सबको धीरे धीरे टाइट करना है और अच्छे से टाइट कर लेना है। भाई अपना 90% काम हो चुका है कंप्लीट, ये हाइड्रोलिक वाला पार्ट अपने कुछ करना नहीं है, बस इसको इसमें ऐसे डाल के थोड़ा सा रोटेट कर देना है, जब टाइट आपको फील हो उसके बाद छोड़ देना है। फिर ये वाला जो अपना पार्ट है, यहाँ जो कट वाले पार्ट है, इसको नीचे डालना है, सारे जो ग्रिल्स हैं इसमें अच्छे से अपने को लगा देना है। भाई अपने को ऐसे 3 मिलते हैं, ठीक है, तो पहले अपना ये बड़ा वाला लेना है, फिर इसको नीचे की तरफ से छोटा वाला डाल देना है, और फिर सबसे जो नैरोवर वाला है उसको डाल देना है, और डालने के बाद आपको इसमें आराम से इसे लगा देना है, ठीक है। जैसे लग जाएगा ये खुद ही जाके अब जहाँ तक बैठना होगा नीचे बैठ जाएगा। अब अपना जो लास्ट का पार्ट है चेयर को अपने को पुट कर देना है इसमें, तो लाएंगे यहाँ पे अपने को। ये अपना हो चुका है कंप्लीट, इसको बस ये जो होल है आपको वहाँ पर रख देना है, वो प्रेशर से खुद ही एडजस्ट हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से हम लोग इस पर बैठ सकते हैं, ठीक है, ऑल सेट। तो आज अपना चेयर हो चुका है कंप्लीट, ऐसे आप देख सकते हैं, इसको हमने लगा दिया, बड़ी मशक्क़त से हमने कस दिया। आई होप वीडियो बड़ी हो गई, बट आप देखोगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगा, हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है बीच बीच में, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। बाकी अगर बात करें ना तो यहाँ पे जो हैंड रेस्ट मिलता है ये नॉर्मल जो है सिंपल है, ये ऊपर नीचे नहीं होता, ना ही आगे पीछे होता है। अगर आप एक्सपेंसिव लोगे या प्राइस बढ़ाओगे तो वो आपको फीचर देखने को मिल जाता है, पीछे आपको ये हेडरेस्ट मिलता है, ये इसी हेडरेस्ट के कारण हमने इसको ऑर्डर किया है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो अपना है बटन है, ये जो प्रेशर यहाँ एक बटन दिया हो इसको दाब के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी यहाँ से भी आराम से हम लोग इसको अपने नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं इसको टाइट करना या लूज़ करना, ये जो अपना जो बैक कुशन है यहाँ पे, इसको हम लोग चाहे तो ढीला और टाइट अपने जो कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ। बाकी इसमें और कोई मैकेनिज्म और फीचर कुछ नहीं है, जो है अपना मेस मिल जाता है यहाँ पे। अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे मेस प्रोवाइडेड टोटल, और ये यहाँ से ब्रीदेबिलिटी अपने को मिलती रहेगी, ईयर एक्सचेंज जो है होता रहेगा। अगर नीचे भी बात करें यहाँ बेस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठेंगे सीट पार्ट पर, तो यहाँ पे तब ये पॉलीथीन है, लेकिन यहाँ पर भी मेस वाला मटेरियल मिल जाता है, और सारे के सारे मटेरियल जो है सिंथेटिक है, और नीचे अपना स्टील टाइप का मिलता है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है ये आयरन ही होगा, इसको कोटिंग किया गया है, और जो अपने ये व्हील्स हैं सारे के सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं, और यहाँ अपने को मेटल मिलता है नीचे की तरफ, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पर भी ये थोड़ा मेटल है, बट 100% आयरन मेटल नहीं है, थोड़ा सा कास्ट आयरन टाइप का अपने को फील हो रहा है। बाकी ये अपना ये मेटल है शायद प्लास्टिक है ना, ये सारे जो है HDPE प्लास्टिक के पार्ट, बट प्राइस के हिसाब से ये वर्थ होने वाला है। अब लोग इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 और 120 के आसपास है, मतलब कि अगर आपका वजन 100 kg के आसपास भी है तो आप आराम से इस पर बैठ सकते हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, कंफर्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अभी हम इसको अब और लूज़ करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से, ये जो बैक कुशन है, तो ये और कंफर्ट अपने को
फील यहाँ से होगा। बाकी हम इसको यूज़ करेंगे, बाकी यूज़ करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक दूसरी वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाएंगे, या आपको कोई कमेंट की भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी हमें आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस आई होप आपने देख लिया इस चेयर के अनबॉक्सिंग वाले पार्ट को। थोड़ा सा रॉनेस हमने दिखाने की कोशिश करी है, ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं की है। अल्दो इस चेयर का हमने इंस्टॉलेशन बुक किया हुआ है 199 में, बट हमने उनको बुलाया नहीं है, अभी वो आएंगे तो हम उनसे थोड़ी सी चेयर की जो कंडीशन है वो जाँच करवा लेंगे कैसी है क्या नहीं है। अब हम बात करेंगे ना कि आप ये चेयर लेंगे तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अगर आप एक ऑफिस में हैं, वर्क फ्रॉम होम है, या आपके ऑफिस में जो चेयर प्रोवाइडेड है वो कंफर्टेबल नहीं है और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, या आप खुद एक बॉस हैं और कोई चेयर लेना चाहते हैं बजट रेंज की और जो जहाँ से आप अच्छे कंफर्टेबल आराम से उसको यूज़ कर पाएँ, या ऐसे आप लोकेशन में हैं, आपका फ्लैट है कुछ भी है जहाँ पर आप कोई काम करते हैं ऑनलाइन और उसके बाद आपको शिफ्ट करना होता है महीने दो महीने साल भर छः महीने के बाद, तो ऐसा चेयर है जो आप कैरी नहीं कर पाते हैं बार बार, तो इस वाले चेयर को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता दूं, तो प्राइस इसकी है 5999, इन 6000 के प्राइस में आपको ये चेयर डिलीवर हो जाने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल एंड ऑल, तो हमने आपको पास से काफ़ी अच्छे से दिखा दिया, इंस्टॉलेशन अभी हमने आपको दिखाया, अब इंस्टॉलेशन पे डिटेल से आएंगे। तो क्या यहाँ पे जितने सारे अपने को यहाँ पे कंपोनेंट मिल रहे हैं ना, नीचे वाले पोर्शन में सब इजी आसानी से हो जाता, बट ये जो हमारा बैकरेस्ट है ये कसने में थोड़ा दिक्कत आती है, मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आप परचेज करोगे, ऑर्डर करोगे, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक चीज़ का ध्यान रखो, 199 का आप मत ये करना, 199 दे के इनके असिस्टेंट को बुलाना, आप उनसे जो है इंस्टॉलेशन जरूर करवाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप एक भी गलती करते हैं ना, थ्रेड व्रेड कुछ भी अगर कट जाता है ना, काफ़ी दिक्कत आ जाएगी आगे चल के। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 199 कुछ नहीं होता है, आप बुला लो इनके असिस्टेंट को जो इंस्टॉल करते हैं, आके इंस्टॉल करके चले जाएंगे, आप आराम से इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब आएंगे कि ये वर्थ है कि नहीं है, या इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो सबसे अगर प्रोज की बात करें तो मुझे प्राइस तो काफ़ी कम लगा, इनफैक्ट अगर आप मार्केट में भी जाओगे ना और इस टाइप के जो हाई बैक वाले अगर चेयर लेने, तो एक तो मटेरियल की कोई श्योरिटी नहीं होती कि फॉल इधर है कि क्या है कौन सा मटेरियल है, दूसरे नंबर प्राइस में आपको मोर और लेस सेम ही देखने को मिलेगा, अगर आप अच्छा बार्गेन कर पाओगे तो 500 से 1000 रुपये कम करा सकते हो, लेकिन श्योरिटी के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है कि कौन से मेटल यूज़ हुआ, क्या यूज़ हुआ, कोई ब्रांड का आपको अच्छा इम्पैक्ट और नाम नहीं मिलने वाला है। ये ब्रांड आपको पता है सेलबेल है, शार्क टैंक में आए हुए हैं, अमन गुप्ता काफ़ी इम्प्रेस थे इस पे, तो काफ़ी अच्छी बात है कि अपने को ब्रांड की श्योरिटी मिल जाती है और इस ब्रांड के काफ़ी चेयर भरे पड़े हैं, आप चाहेंगे ना तो 3,000-2,500 से लेके 12,000-15,000-20,000 तक के भी चेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको जो मिड बैक वाले चेयर होते हैं, हाई बैक वाले नहीं, वो भी मिलने वाले हैं। उसके बाद आप चाहते हैं तो अगर आप गेमिंग चेयर लेना चाहते हैं उस टाइप के भी चेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो काफ़ी सारे चेयर के रेंजेज हैं। मैं कुछ अपने फेवरेट चेयर्स के लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। गाइज अब आ जाएंगे इसके कॉन्स पे, तो अगर कॉन्स की बात करें ना, तो गाइज दो कॉन्स मेरे को यूजुअली देखने को मिला है। पहला नंबर है कि इसका जो व्हील है ना अभी उतना स्मूथ नहीं है, मे बी आगे चल के मैं यूज़ करूँगा रेगुलर तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा अभी स्मूथनेस में मेरे को दिक्कत पता चल रहा कि थोड़ा सा स्मूथनेस में, यानी कि व्हील जो है इजीली रोटेट नहीं कर पा रहा है, उसका थोड़ा सा चक्को में करना पड़ेगा जुगाड़, थोड़ा सा वॉइलिंग एंड ऑल कर दूंगा मैं, या थोड़े से चक्को को ढीला कर दूंगा, एक बार निकाल के कस दूंगा तो जहाँ से वो होने लगे, लेकिन अभी जो फर्स्ट केस में वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है जो कि इस चेयर को आप ज़्यादा टिल्ट नहीं कर सकते पीछे की तरफ से, मतलब कि ये जो है फिक्स है, वन हिसाब से बोले तो ये फिक्स है, ये थोड़ा ये पीछे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके चेयर पीछे नहीं जाते। आप अगर प्राइस इन्वेस्ट करोगे, ये C100 है मेस वाला अपना चेयर, लेकिन अगर वहीं पे C194 या 200 के आसपास आप जाओगे ना तो आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा, लेकिन प्राइस आपको इंक्रीज़ करके डबल करनी पड़ेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बजट के हिसाब से जाओ, जितना आपका बजट है उसी में आप लो। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, आप पूरे लाइफ में एक ही नहीं यूज़ करोगे, आप अगर ग्रो करोगे तो आप कंफर्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, तो अच्छे प्राइस इन्वेस्ट करके बढ़िया बढ़िया चेयर आप ले सकते हो। इसके बाद आप चाहे तो वो वाला चेयर ले सकते हो, उसके बाद गेमिंग चेयर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एलिमेंट्री और बेसिक चाहते हैं तो ये चेयर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आएंगे कि प्राइसिंग आपको कैसे पे करनी है, तो गाइज यहाँ पे चाहे ना आप वन टाइम पेमेंट करके मंगा सकते हैं, साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं ना तो
आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं, जैसा मैंने खरीदा हुआ है। 6 महीनों में आपको इसकी ईएमआई को भरना है, 1000-1000 रुपये करके आप 6 महीने तक दे दोगे। 288-285 के आसपास आपको एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस शेयर के बारे में। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी स्टडी है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल भी ठीक है, काम करने लायक है। कॉलेज स्टूडेंट, नए नए ऑफिस एम्प्लॉय के लिए बढ़िया है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं या यूट्यूब एनोला अगर आप करते हैं मेरे जैसे, तो आप ये ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए ऑफिस मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और मिलेंगे अगले किसी वीडियो में नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मसाला, टेक केयर एंड डू व्हाट एवरीवन, माय लवली फ्रेंड्स।